हेलो फ्रेंड्स ए आई पी एम टी नी टू थाउजेंड इलेवन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फिक्शन के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि बॉडी मास कैपिटल एम नॉर्मली रिजिड वॉल को हिट करती है विद अ वेलोसिटी वी एंड बाउंसेज बैक विद द सेम वेलोसिटी द इंपल्स एक्सपीरियंसड बाय द बॉडी इज देखिए टेक्निकली अगर ये क्वेश्चन सोर्स से जो मैंने लिया है लैंग्वेज अगर ऐसा ही क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया था तो टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि आपकी वेलोसिटी सेम बोल दिया तो फिर वो बाउंस बैक नहीं कर सकता क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगा ये सेम वेलोसिटी नहीं सेम स्पीड होगा अब ठीक है अब हम आगे बढ़ सकते हैं हमें दिया है कि मास एम की बॉडी है दीवार से नॉर्मल टकराती है बाउंस बैक करती है आते और जाते समय दोनों समय उसकी जो स्पीड है वो सेम रहती है डायरेक्शन चेंज हो रहा है इंपल्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी पूछा है तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं डायग्राम बनाने से क्या होता है कि हमें डायरेक्शन का ज्ञान हो जाता है तो जैसे हमें यहाँ दिख रहा है कि पहले वेलासिटी टूवर्ड्स राइट था बाद में वेलासिटी टूवर्ड्स लेफ्ट हो गया इसका मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो वो प्लस वी मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो वो माइनस वी मीटर पर सेकेंड है हमसे पूछा गया है इम्पल्स इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है इसे हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल मोमेंटम हम जानते हैं क्या होता है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी क्वेश्चन में मास कैपिटल एम दिया गया है तो कैपिटल एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल तो इम्पल्स वेक्टर कितना आया एम कॉमन ले लीजिए वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर यहाँ पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो रहा है लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये 180 डिग्री के दो वेक्टर्स को इन्वॉल्व कर रहा है तो यहाँ आपके लिए वो लंबा फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती वी फाइनल को आपने लिखा माइनस वी वी इनिशियल को आपने लिखा वी सब किया माइनस टू एम वी अब क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव और कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव मानना है ये नहीं दिया तो हम ये मानते हैं कि क्वेश्चन हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स पूछ रहा होगा जो कि कितना होगा टू एम वी दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अब अगर आप हमारे वीडियो सोल्यूशन के अलावा क्वेश्चन के टेक्स्ट सोल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है क्वेश्चन नहीं बनता ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पे दैट इज माई ब्लॉग अगर आप मुझे कोई सजेशन कुछ लिखना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं फेसबुक पेज और इंस्टा पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा मैं हिंड कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस, ट्विस्टेड सेक्शन के क्वेश्चंस डालता हूं। उन्हें देखना ना भूलें उन्हें ज़रूर देखिए सो दैट क्वेश्चन को पूरा सोल्यूशन देख कर सॉल्व करने की आदत आपकी छूटे आप केवल हिंड से क्वेश्चन करना सीखें ताकि आपको क्वेश्चन करने का जो बेसिक प्रोसेस है वो समझ में आए फिर आप नहीं कह पाओगे कि क्वेश्चन नहीं बनता कंसेप्ट लेटेड वीडियोज गिव यू द क्लैरिटी अबाउट द कंसेप्ट जो की क्वेश्चन में इन्वॉल्व है ट्विस्टेड सेक्शन में मैं आपको बताता हूं कि आया हुआ क्वेश्चन किस तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है